और दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं तिब्बती मार्केट में, और ये यहाँ पर है तिब्बती मार्केट और परेड ग्राउंड में है। तो उसके वजह से घंटाघर वाला रास्ता आज बंद कर रखा है, तो पैदल जाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो, मतलब यहाँ पूरी पुलिस फोर्स है और बंद है रास्ता, क्योंकि परेड ग्राउंड में कुछ फंक्शन है, तो उस वजह से सभी लोग पैदल जा रहे हैं, ये देख सकते हो आप। हेलो जी, नमस्ते, कैसे हो? आए अच्छे होंगे, मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो शुरुआत हो गई एक नए दिन की, तो चले आज के ब्लॉग की शुरुआत भी करते हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार और नमस्कार, मेरा नाम है राहुल और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर एस चॉइस ब्लॉगर में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 10 बजे से, और दगड़े पर सोम आ गए थे देहरादून, और बाकी आज संडे भी है, तो आज ही टाइम मिला है ब्लॉग बनाने का, क्योंकि टाइम तो मिलता नहीं है, सुबह से शाम बिजी रहते हैं, कोचिंग ये हो गया, और आज संडे है तो आज टाइम ही मिला ब्लॉग बनाने का। और साथ ही में आज हम मामी जी के यहाँ भी जा रहे हैं, यहाँ मामी जी रहती हैं, और संडे मार्केट में भी जाएंगे, तो बाकी अभी तैयारी हो गई है, अब सीधे निकलते हैं मार्केट के लिए, तो आप बने रहें ब्लॉग में। दोस्तों अभी हम सर्वे चौक में पहुंच गए हैं, और हमें तो मतलब जाना घंटा घर तक था, पर आज सर्वे चौक में कुछ फंक्शन है, तो उस वजह से मतलब यहाँ पूरी घंटा घर वाला रास्ता आज बंद कर रखा है, तो पैदल जाना पड़ेगा। आपको दिखाता हूँ, ये पीछे आप देख सकते हो पुलिस फोर्स लगी है, तो वहाँ तक हमें पैदल जाना है, तो चलिए आप बने रहें ब्लॉग में। देख सकते हो आप, मतलब सभी लोग पैदल जा रहे हैं, यहीं तक बस जा रही है, तो यहाँ से अभी पैदल जाते हैं और मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो, मतलब यहाँ पूरी पुलिस फोर्स है और बंद है रास्ता, क्योंकि परेड ग्राउंड में कुछ फंक्शन है, तो उस वजह से सभी लोग पैदल जा रहे हैं, ये देख सकते हो आप। और दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं तिब्बती मार्केट में, और ये यहाँ पर है तिब्बती मार्केट, और यहाँ पर पूरे तिब्बती लोग हैं, और इस रोड पे ये वाला सीन मैं आज पहली बार देख रही हूँ कि गाड़ियाँ बंद है, और आज मतलब माहौल काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि जब भी आते हैं गाड़ियों की भीड़ लगी हुई रहती है। तिब्बती लोगों का मंदिर ऐसा रहता है, चाइना जैसे याद आ रही है, चाइना कितने लोग गए हैं। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं घंटाघर में, ये आप देख सकते हो, और यहाँ से हमें जाना है यहाँ के लिए, और यहाँ से हम पकड़ेंगे मतलब कोलागढ़ के लिए एक टम्बू, चल आप बने रहें ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं फुल सनी में, और यहाँ से थोड़ा ऊपर जाना है, वहाँ पे है मामी जी का मकान, ये देख सकते हो आप, तो यहाँ ऊपर पर जाना है हमें, बाकी ये मेन सड़क है। तो दगड़ी अभी हम आ गए हैं मामा जी के घर में, और हमारे के छत में धूप सेकने के लिए, और साथ ही में यहाँ पे गोला हो गया और सुगम भी है, सुगम तो नीचे चला गया शर्मा के, और गोलू यहाँ पे घूम रही है, आ गई गोलू, या गोला कहाँ जा रही दादा, तो वो देख वो भी चले गई। तो दोस्तों जैसे कि हम आए थे मामा जी के यहाँ, और यहाँ पर हैं मामा जी के बच्चे, मतलब क्या मेरी ननद हो गया और मेरा देवर, और वो भाग गए, और वो हमारे डेली व्यूअर्स हैं, वो हमारी हर वीडियो को देखते हैं और बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं, और हमने सोचा हम उनके साथ ब्लॉग बना लें, पर उनको पसंद नहीं आ रहा है, शिवम तो नीचे भाग गया है, और गोला मेरी ननद वो भी भाग गई है। तो दगड़े भी हम मामा जी के यहाँ से नीचे आ गए हैं, और यहाँ से हम रिक्शा में बैठ गए हैं कोलागढ़ के लिए, और वहाँ से फिर गंडागढ़ के लिए बैठेंगे, तो अभी यहाँ पे एक भी सीट मतलब फुल नहीं हुई है, हम दोनों हैं, और बाकी पूरी सीट अभी खाली है, तो देखते हैं कितना देर तक यहाँ पे रुकना पड़ता है। सो दोस्तों थोड़ी देर पहले हम कमरे पे आ गए थे, और इधर उधर घूमते घूमते मतलब सर दर्द भी हो गया था, तो कमरे पे आके सोचा थोड़ा चाय बनाते हैं, तो मैडम जी ने चाय बनाई, और अभी थोड़ा चाय भी रहे हैं, थोड़ा चाय पीते हैं, और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो दगड़े अभी रात का खाना भी बन के हो गया है तैयार, और खाने में बना है आज ये आलू गोभी की सब्जी हो गया, और ये देखो ये है रोटी फर्स्ट क्लास एकदम, और साथ में ये थोड़ा दोपहर का चावल बचा था, तो इसको तो मैडम जी ही खाएंगी,
बाकी मैं तो रोटी सब्जी खाऊंगा। और यहाँ पे माँ ने घर से घी भी दिया था तो थोड़ा घी भी डालेंगे और बाकी फर्स्ट क्लास खाते हैं खाना। और कुछ इस तरह से होता है कमरे का खाना, ये देख सकते हो आप। तो दोस्तों अब खाना खाते हैं और इसी के साथ आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है आपको नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, रहते हैं, बाय बाय।